Hello students, welcome to Knowledge Academy. Today in this important session of political science, we shall discuss about the topic Hobbes's social contract theory. यानी Hobbes के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे. आपको अवगत करा दूं कि इसके पहले जो वीडियो बनाए थे वो वैज्ञानिक भौतिकवाद, लाइफ स्केच ऑफ थॉमस हॉब्स, हिज वर्क्स, स्पेशल रेफरेंस विद लेवाइथन इत्यादि टॉपिक पर बनाए थे. अतः यदि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें थॉमस हॉब्स के परिप्रेक्ष्य में या और अधिक नॉलेज गेन करना चाहें तो उन वीडियोस को अवश्य देखें. आई वुड लाइक टू रिकॉल यू दैट पॉलिटिकल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें तथा सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहें उन्हें कमेंट्स बॉक्स में प्रेषित करें. लिखें, आपके प्रश्नों के उत्तर यथासंभव यथासमय अवश्य प्रेषित किए जाएंगे. थॉमस हॉब्स के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और जो थॉमस हॉब्स हैं वे एक पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफर माने जाते हैं, तो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं. और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उनकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें उन्होंने अपने इम्पॉर्टेंट व्यूज़ को या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है. जनरली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है कि वाई डू वी नीड अ स्टेट, वाई शुड वी ओबे द स्टेट, वॉट इज़ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, वॉट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स. तो इस संदर्भ में जो क्वेश्चंस हैं वे जनरली एग्जाम्स में आ जाते हैं. इसके अतिरिक्त राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हॉब्स का प्रमुख योगदान क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. तो मैं जनरली आपको प्रमुख पॉइंट्स बता दूं कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का अभिनवीकरण, निरपेक्ष और असीम प्रभुत्व शक्ति का प्रतिपादन, राज्य की उच्च स्थिति प्रदान करना यानी राज्य को उच्च स्थिति प्रदान करना, परिभाषित करना इत्यादि. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको अवगत कराया कि हॉब्स के राजनीतिक विचार सामाजिक सिद्धांत के समझौते के अंतर्गत प्रतिपादित किए गए हैं और इसकी विवेचना उन्होंने अपने ग्रंथ लेवाइथन में विस्तार से की है. सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए हॉब्स ने सर्वप्रथम मानव स्वभाव के स्वरूप की व्याख्या की है कि व्हाट इज़ द ह्यूमन नेचर. तो हॉब्स के समय में चूंकि इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और उस अनुभव के परिणाम स्वरूप थॉमस हॉब्स ने पाया कि मानव स्वभाव स्वभाव से अच्छा नहीं है. वह मनुष्यों को स्वार्थी, झगड़ालू, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्मकेंद्रित मानते थे. हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक मशीन के समान है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं. मनुष्य इसी ब्रह्मांड का लघु रूप है, वह भी एक मशीन की तरह ही संचालित है. उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की भांति विश्व के संचालित पुर्जों से हुआ है. द यूनिवर्स फॉर हॉब्स इज अ मशीन, अ मशीन मेड अप ऑफ पार्टिकल्स मूविंग अकॉर्डिंग टू अ मैकेनिकल लॉ. हॉब्स का उद्देश्य उस नियम की खोज करना है जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है. वस्तुतः मानव प्रकृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ही थॉमस हॉब्स अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहते थे. हॉब्स के अनुसार मनुष्य संवेदनाओं यानी सेंसेशन से युक्त प्राणी है. मनुष्य की विचार शक्ति भी संवेदनाओं से ही उत्पन्न होती है. इंद्रियों के माध्यम से जब गति केंद्रीय स्नायु संस्थान में पहुंचती है तो वहां संवेदनाएं प्रकट हो जाती हैं और मस्तिष्क की इसी संवेदना को थॉमस हॉब्स ने विचार का नाम दिया है. हॉब्स ने अपनी सामाजिक समझौते के सिद्धांत में मानव स्वरूप की व्याख्या करते हुए मानव स्वभाव के संदर्भ में तथा राज्य के संदर्भ में दो प्रकार की गतियां बताई हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक. यदि उसकी भावना के अनुसार कार्य होता है तो उस अनुकूल संवेग को उन्होंने अभिलाषा यानी डिज़ायर का नाम दिया है जो, और यदि प्रतिकूल कार्य होता है तो उन्होंने इसे विरक्ति, घृणा यानी एवर्जन का नाम दिया है. इस प्रकार उन्होंने अपने भौतिक शास्त्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति के लिए यानी इच्छित पदार्थों की प्राप्ति के लिए उसकी प्राप्ति हेतु आगे बढ़ना या प्रवृत्त होना अभिलाषा है तथा उससे अलग हटना एक तरह की विरक्ति या घृणा है. अतः हॉब्स के अनुसार मनुष्य में वस्तुओं के प्रति आकर्षण या विकर्षण दोनों ही पाए जाते हैं या दोनों के प्रति ही उनका अनुराग या विराग होता है. अतः
जो मनुष्य की भावनाएं हैं वो इसी के अकॉर्डिंग विकसित होती हैं। मनुष्य का सुख दुख, आशा निराशा, भय, साहस, क्रोध आदि जितनी भी प्रकार की संवेदनाएं या मनोभावनाएं हैं वे अभिलाषा और विरक्ति के अंतर्गत ही उन्होंने परिभाषित किया है तथा इन्हें प्रवृत्ति और निवृत्ति का नाम दिया है। थॉमस हॉब्स राइट्स इन हिज बुक व्हाट मैन डिजायर्स ही कॉल्स गुड एंड प्लेजर्स इन द मूवमेंट इन हिज माइंड दैट अकंपनीज इट। What he likes, what he dislikes, he calls evils, and the movement in his mind that accompanies it, he calls pain. Thomas Hobbes further writes in his book that so that in the nature of man we find three principles causes quarrel. First, completion. Next, diffidence. Thirdly, glory. The first makes man invade for gain, the second for safety, the third for population. Hence, competition, diffidence and glory is essential for human nature. Hobbes ने माना है कि मानव का स्वभाव आनंद प्राप्त करना है या आनंद की ओर अग्रसर होता है, समय समय पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना और जिन साधनों से वे अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं उन साधनों को प्राप्त करने के लिए शक्ति एकत्रित करना तथा आनंद की ओर अग्रसर रहना मनुष्य का स्वभाव है और मानव के सारे कार्य स्वार्थ के वशीभूत ही होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मानव स्वभाव को विभिन्न प्रकार से प्रतिपादित किया है। हॉब्स के अनुसार चूंकि मनुष्यों में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता समान होती है जिसमें प्रतिद्वंद्वता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, वे एक दूसरे को हराना या नष्ट करना चाहते हैं, अतः मनुष्य प्रतिस्पर्धा के चलते लाभ के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए तथा प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष में संलग्न रहते हैं या निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। मनुष्य में एक तरह का साइकोलॉजिकल भय व्याप्त रहता है, ऐसा भी थॉमस हॉब्स ने माना। और सामाजिक समझौते के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव के स्वरूप की इस तरह से व्याख्या की। नेक्स्ट स्टेज है प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर। थॉमस हॉब्स के अनुसार क्या है? हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम दिया है। उसके मानव स्वभाव के चित्रण के संदर्भ में मनुष्य को उन्होंने विभिन्न प्रकार से अहम से युक्त, संघर्षमय तथा विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति में तल्लीन बताया है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध की अवस्था है, इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकती, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए या स्वार्थी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है तथा युद्धों से करना होता है। इस तरह से हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में ये माना है कि उस समय सामाजिक जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है, नैतिकता समाज में विद्यमान नहीं थी। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में अराजकता विद्यमान थी, तो इस तरह से उन्होंने माइट इज राइट के सिद्धांत को ही उसमें माना है या उस संदर्भ में प्रतिपादित किया है। इस दशा में उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई भी प्रकार का विचार नहीं किया जा सकता है। जब समस्त मनुष्य सामूहिक सत्ता, हॉब्स के शब्दों में कहें कि जब समस्त मानवों के ऊपर एक सामूहिक सत्ता विद्यमान नहीं होती है तब तक कोई कानून अस्तित्व में आ नहीं सकता, और जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई न्याय विद्यमान नहीं रहता है। जहाँ उचित अनुचित, न्याय तथा अन्याय के संदर्भ में किसी भी प्रकार की धारणा का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से थॉमस हॉब्स ने अपने विचारों को प्रतिपादित किया। थॉमस हॉब्स राइट्स इन हिज राइटिंग नाइदर राइट नॉर रॉन्ग, जस्टिस नॉर इनजस्टिस हैव प्लेस इन इट, फोर्स एंड फ्रॉड आर इट्स कार्डिनल वर्चूज। इन सच कंडीशंस, सेज हॉब्स, देयर इज नो प्लेस फॉर इंडस्ट्री बिकॉज द फ्रूट्स देयर ऑफ इज अनसर्टेन एंड कंसिक्वेंटली नो कल्चर ऑफ द अर्थ, नो नेविगेशन नॉर यूज ऑफ द कॉमोडिटीज दैट मे बी इम्पॉर्टेंट बाई सी नो अकाउंट ऑफ टाइम, नो आर्ट्स, नो लेटर्स, नो सोसाइटी, एंड विच इज वर्स्ट of continual fear and danger of violent death, that the life of man solitary, poor, nestly, brutish and short. अतः हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में थॉमस हॉब्स ने जो निष्कर्ष निकाले उनमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें नैतिकता का सर्वथा अभाव था, सत्य और असत्य का कोई विचार नहीं होता था, इसमें न्याय और अन्याय के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विचार नहीं था, और इस अवस्था में वैयक्तिक संपत्ति का भी पूर्ण अभाव था। तो ये निष्कर्ष थॉमस की
प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में निकाला जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो थॉमस हॉब्स के द्वारा विवेचित किया गया है, वह है नेचुरल राइट्स एंड नेचुरल लॉज, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है कि अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता का होना, तथा प्राकृतिक कानून वे कानून हैं जो प्राकृतिक अवस्था में आपसी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन्हें थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक कानून की संज्ञा दी है। प्राकृतिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में थॉमस हॉब्स ने कहा है कि प्राकृतिक अधिकार का अभिप्राय है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता का होना। तो इस दृष्टि से हॉब्स ने अपने विचारों को प्राकृतिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में तथा प्राकृतिक कानून के परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किया है। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवायथन में विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक कानूनों का निर्माण किया है या विवेचित किया है, और प्रथम कानून उन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे, और शांति की स्थापना के लिए हिंसा जनित कार्यों से उसे छुटकारा प्राप्त हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण कानून थॉमस हॉब्स के द्वारा सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें, और इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक और पारस्परिक हो, उनमें सहृदयता हो। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ये वचन दे कि यदि सब मनुष्य ऐसा करने को तैयार हैं तो मैं भी अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करने के लिए तैयार हूँ। यदि यह परित्याग सार्वजनिक स्तर पर हो तथा तभी अच्छा है, यदि सार्वजनिक स्तर पर यह परित्याग नहीं किया जाएगा तो व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तथा संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। और तीसरा नियम उन्होंने ये रखा कि मनुष्य को अपने वचन का पालन करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग का वचन दे और फिर उसका पालन ना करे तो शांति की खोज संभव नहीं है तथा शांति स्थापित नहीं हो सकती, अतः वचन का पालन करना उन्होंने अनिवार्य माना। तथा उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो इस स्थिति में अवस्था अव्यवस्था अनिश्चितता चारों ओर फैल जाएगी तथा मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में पुनः लौट आएगा। अतः इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसी सर्वोपरि शक्ति की कल्पना की जो सभी मनुष्यों को अपने दिए गए वचन को पालन करने के लिए बाध्य कर सके। तो इस तरह से उन्होंने मुख्य रूप से 3 कानूनों का प्रतिपादन किया, और इस आधार पर उन्होंने निरंकुश एक तंत्र का समर्थन करने के लिए सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया, जिसमें प्रथम रूप से हॉब्स ने ये प्रतिपादित किया कि कानून के द्वारा शांति की स्थापना के लिए राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता को स्वीकार किया जाए। दूसरा यह है कि कानून के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि राज्य के विरुद्ध या राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रजा को नहीं है, तथा तीसरा यह है कि हॉब्स ने यह सिद्ध किया कि राजा या राज्य एक समझौता है जिसका उल्लंघन करने का प्रयास व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। और वेपर ने हॉब्स के प्राकृतिक कानून का निचोड़ या निष्कर्ष ये निकाला है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसे वह अपने प्रति अरुचिकर समझे। डू नॉट दैट डू अनदर विच दाउ वुडस्ट नॉट हैव डन टू थाई सेल्फ। ऐसा विचार हमारे वैदिक दर्शन में भी किया गया है कि आत्मानि प्रतिकूलानि परेशामना समाचरित, यानी जो विचार या जो आचरण आपको अपने प्रति अच्छा ना लगे वैसा आचरण हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। थॉमस हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित समझौते के कारणों के परिप्रेक्ष्य में, यानी सामाजिक समझौते के कारणों के संदर्भ में चर्चा करें तो कॉजेज ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में उन्होंने जो मुख्य कारण बताए वो ये हैं कि प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था, अतः यह आवश्यक था कि संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। दूसरा उन्होंने ये माना कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे पर कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च शक्ति या सत्ता नहीं थी जिससे इन कानूनों का मनमाना अर्थ निकाला जाता था तथा लोग अपनी सहूलियत के अनुसार कानून को परिभाषित करते थे। इसके लिए उन्होंने माना कि एक विधि व्याख्याकार की आवश्यकता है जो कि संप्रभु सत्ता की स्थापना के लिए आवश्यक है। तृतीय कारण उन्होंने ये माना कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर लोग उनका उल्लंघन करते थे जिससे संघर्ष की स्थिति
विकसित होती थी। इस स्थिति के निवारण के लिए संप्रभु सत्ता की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। और चतुर्थ कारण जो महत्वपूर्ण था वो ये माना गया थॉमस हॉब्स के द्वारा कि प्राकृतिक कानूनों का पालन लगातार तभी हो सकता है जब उसका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड का प्रावधान किया जाए, और इसके लिए आवश्यकता कि दंड शक्ति भी अस्तित्व में आए। अतः इस कारण संप्रभुता की स्थापना को वांछनीय माना गया, और जो समझौते के मुख्य कारण थे थॉमस हॉब्स ने ये माने, जिनके संदर्भ में मैंने आपको अभी वर्णन किया। अच्छा, सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का जो कंसेप्ट डेवलप हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में भी थॉमस हॉब्स ने बताया कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। तो प्राकृतिक अराजक अवस्था के परिप्रेक्ष्य में यदि चर्चा करें तो प्राकृतिक अराजकता की अवस्था चूँकि हॉब्स ने माना है कि ये अच्छी नहीं थी, अतः थॉमस हॉब्स के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया और उस समझौते में उन्होंने ये अनुबंध करार या कॉन्ट्रैक्ट किया कि इस अराजक अवस्था का अंत किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय से शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं अपनी इच्छा के द्वारा अपने अधिकारों का, ये कहें कि अपने पर शासन करने के लिए अपने अधिकारों का परित्याग करता हूँ, कि तुम भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को दोगे और स्वशासन के अधिकार को छोड़ दोगे। तो इस तरह से उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सामाजिक समझौते के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में विवेचित की हैं। थॉमस हॉब्स राइट्स इन हिज राइटिंग दैट आई ऑथोराइज एंड गिव अप माई राइट ऑफ गवर्निंग माई सेल्फ टू द मैन और टू द असेंबली ऑफ अ मैन on this condition that thou give up thy right to him and authorize all his actions in like manner. Further he writes, the characteristics of Leviathan are unmistakable. He is also the source of laws and he is also, of course, the role of interpreter of laws. Leviathan is the creator of right and justice. Apart from this, his edicts or laws therefore can never be unjust or immoral. ऐसा करने से राज्य का अस्तित्व विकसित होता है या राज्य का जो कंसेप्ट है वो विकसित होता है। इसे राज्य कॉमनवेल्थ या लैटिन भाषा में नगर सिविटास कहा जाता है, वैसा कंसेप्ट राज्य के परिप्रेक्ष्य में डेवलप किया गया और जनता की शांति तथा प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी पर मानव देव की स्थापना की गई। इस तरह से सामाजिक समझौते के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति को विवेचित किया गया तथा राज्य के स्वरूप के संदर्भ में यदि चर्चा करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट क्या हैं जो कि थॉमस हॉब्स के द्वारा विवेचित किए गए, तो उनमें अनुबंध या समझौते द्वारा थॉमस हॉब्स ने एक दमनात्मक शक्ति की सृष्टि की है जो इसके पूर्व कदापि नहीं थी, और समझौते के द्वारा दो कार्यों की पूर्ति की गई है थॉमस हॉब्स के अनुसार। पहला यह है कि एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना की जाए तथा दूसरी यह कि वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक ऐसी निरंकुश संप्रभुता का निर्माण करे जो सभी मनुष्य चाहते हैं। वह कहता है कि समझौते के द्वारा निर्मित राज्य व्यक्तियों को आश्वासन देता है कि उसकी बाह्य और आंतरिक शक्तियों के द्वारा, आंतरिक शत्रुओं के द्वारा रक्षा की जाएगी। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब तक मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन करने का आश्वासन दे और राज्य की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय में निहित कर दी जाए। ऐसा व्यक्ति ही सबकी इच्छाओं को एक शक्तिशाली इच्छा के रूप में परिवर्तित कर सकता है। संक्षेप में यदि हम कहें तो समझौते के पश्चात समाज एवं राज्य का प्रादुर्भाव हुआ तथा कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार आदि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में समुचित विकास संभव हुआ। हॉब्स के शब्दों में एक महान दैत्य लेवायथन अथवा राज्य उस संप्रभु का जन्म होता है जिसकी कृपा पर अमर ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर है। सामाजिक समझौते द्वारा निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य यानी एब्सोल्यूट मोनार्की की स्थापना की गई तथा जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि सामाजिक समझौते के माध्यम से अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण किया गया, संप्रभु के आदेश को ही सर्वोपरि माना गया और संप्रभु के आदेश को ही कानून का रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य जो भी संप्रभु कहेगा उसे न्यायपूर्ण बताया गया तथा प्रभुसत्ता पर लोगों का असीम अधिकार एवं विश्वास प्राप्त हो इस बात की भी चर्चा इसके अंतर्गत की गई। लोगों का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, इस तथ्य को भी
थॉमस हॉब्स ने विवेचित किया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सामाजिक समझौते के संदर्भ में थॉमस हॉब्स ने जो प्रमुख तथ्य उजागर किए या वर्णित किए उनके परिप्रेक्ष्य में ये जो व्याख्यान है वह सफिशियंट है. आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं थीं वो क्या थीं तथा उनकी आलोचना क्या की गई इस संदर्भ में भी विवेचना करेंगे जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. दैट्स ऑल.